साथियों, आप सभी को नमस्कार। जय जय मिटी। स्वागत है आज फिर से आप सभी का एक बार आज की इस जानदार, शानदार और जिंदगी बदल देने वाली जूम मीटिंग में आप सभी का फिर एक बार। आज सभी से बात करने का ये जो अवसर प्राप्त हुआ है फिर से एक बार बहुत ही अच्छा लग रहा साथियों। लेकिन मैं आज ये जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उस क्रिएट लीडर को जिनके माध्यम से मुझे आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। आज विशेष है क्योंकि आज का जो दिन है वो तो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज की जो जूम मीटिंग है मेरा नहीं होता है, वो हम सबके ग्रेट लीडर रमेश सर का होता है। और आज उन्होंने ये जिम्मेदारी समझा पे मैं बोल सकूं, मुझे आज ये अवसर प्राप्त हुआ सर के माध्यम से, तो मैं बहुत ही आज अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ आज उत्तर में कि सर ने मुझे इस लायक समझा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रमेश सर को जिनके द्वारा मुझे आज ये अवसर प्राप्त हुआ। जो मीटिंग है हम सभी आज लगभग कई महीनों से जूम मीटिंग में लगातार लगातार हम सब शिरकत कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज इस जूम मीटिंग का जो परिणाम है हम सभी देख रहे हैं कि पूरे भारत में इस जूम मीटिंग ने रंग रूप बदल दिया है। जूम मीटिंग का पूरा है, सबसे बात से जाता है हम सबके ग्रेट लीडर, ग्रेट सेना, ग्रेट मोटिवेटर ओम सर को। जूम मीटिंग की शुरुआत की गई और मित्रों, आप सभी को पता है कि जूम मीटिंग की जब शुरुआत हुई थी ओम सर ने लगातार लगातार कई महीने लगातार उन्होंने अकेले मीटिंग ली और पर डे अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग बिंदुओं पर बात करना मित्रों बहुत बड़ी बात होती है। ये ओम सर का अनुभव है, ओम सर का ज्ञान है, ओम सर का नॉलेज है कि उनके अंदर माँ सरस्वती ने इतना कुछ दे रखा है, ज्ञान के भंडार है, वो ज्ञान के सागर हैं। और मित्रों, उनके इस ज्ञान के सागर में हम सब लगातार लगातार आज कई महीनों से हम लोग नहा रहे हैं। तो मित्रों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ओम सर को भी जिनके द्वारा आज हम सभी को इस जूम मीटिंग के द्वारा हम सभी को अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना काम बढ़ाने का जो इतना सरल माध्यम मिला, इसमें सबसे बड़ा श्रेय ओम सर को जाता है। तो मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ पंकज सर जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। काफी समय मैंने उनके साथ बिताया है। कोरोना के पहले लगभग 2 से 2.5 साल पहले मैंने सर के साथ काफी समय मैंने मुझे मिला सर का, उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली भी अपने आप को मानता हूँ कि सर के साथ लगातार लगातार कई दिनों काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन इस बात का भी दुख है कि पिछले लगभग 2.5 से 3 साल से मुझे उनका समय नहीं मिल पाया, क्योंकि उनकी व्यस्तता बढ़ गई है तो मुझे उनका समय नहीं मिल पाया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आगे सर का समय मुझे और मिलेगा भी। तो मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनसे लगातार जो मीटिंगों में बहुत
उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद में सबसे सर्वोपरि हम सबके ग्रेट लीडर, ग्रेट ऑनर, हम सबके गुरु, हम सबके पिता, हम सबके गार्जियन दद्दा जी का मैं बहुत बहुत जिनके द्वारा हम सबको ये बिजनेस आज हम सबको मिला है, जिनका अनुभव, जिनका ज्ञान, जिनका टैलेंट, जिनकी दूर की सोच इतनी बेहतरीन है, जिनके द्वारा आज हम सब तो इतना बेहतरीन अपना प्लान, अपना प्रोडक्ट की गुणवत्ता आज हम सबको मिली है। दद्दा जी की सोच ही है जिनके द्वारा आज हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए अपने इस प्लान को लेकर के प्लान अगर हम सबके जीवन में नहीं आया होता मित्रों, ऐसा प्रोडक्ट हम सबके जीवन में नहीं आया होता, तो शायद आज हम सबके बिजनेस में जो चार चांद लगना शुरू हो गया है, ये जो नई पारी हम सबने शुरुआत की है खास तौर से जूम मीटिंग के साथ में मित्रों, बहुत ही अद्भुत है। और मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में आज इस जूम मीटिंग की जब से शुरुआत हुई है बहुत ही बेहतरीन माहौल बना है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ दद्दा जी को बहुत बहुत तहे दिल से, जिन्होंने हम सबको एक ऐसा सिस्टम दिया, एक ऐसा माध्यम दिया अपने सपनों को, अपनी चाहतों को, अपनी जरूरतों को, अपने अच्छे भविष्य को बनाने का अवसर, एक ऐसा माध्यम उन्होंने दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा जी को भी। और साथ ही साथ मित्रों, जब से इस जूम मीटिंग की शुरुआत हुई, हम सभी जानते हैं कि पहले कई महीने लगातार उन सर ने जिम्मेदारी उठाई थी, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि एक व्यक्ति लगातार पर डे नए नए टॉपिक पे बोलना बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उन सर कैसे प्रतिदिन नए टॉपिक पे बात करते हैं, इतना ज्ञान, इतनी बातें, इतना अनुभव कहाँ से लेके आते हैं। मुझे तो ऐसा जैसे मां सरस्वती स्वयं ऊपर मेहरबान है, क्योंकि एक एक शब्द में वो ताकत, एक शब्दों में वो जान है कि जिस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुन लेता है बिल्कुल एकदम से, मतलब वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि नहीं मुझे इस बिजनेस को करना ही करना है मित्रों। लेकिन उसके बाद से कुछ बदलाव किए गए जूम मीटिंग में कि अब एक ही व्यक्ति मीटिंग नहीं करेगा, धीरे धीरे जिम्मेदारी बढ़ाई गई, अमित जी आए, फिर हम आए, फिर धीरे धीरे बहुत सारे लीडर्स अवतार सर आए, मतलब इस प्रकार से लगातार सारे लोगों ने जिम्मेदारियां उठाई। रानी मैम आई, इधर स्नेहा जी आए प्रयागराज से, जयराम सर आए, कृष्णा जी आए बंगाल से, मनोज सर आए गुजरात से, आनंद सर आए दिल्ली से, मुकेश सर आए, और लगातार सरोज जी आई, और मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने लगातार, जितनी भी महिला लीडर्स हैं सभी ने जिम्मेदारी उठाई पूरे भारत में। उधर बीएल पंडित जी हैं, अभिजीत जी हैं, रुद्र सिंह मिश्रा जी हैं, सारे लोगों ने लगातार लगातार अपना अनुभव शेयर करना शुरू किया। इस जूम मीटिंग में जब से हर व्यक्ति का आज हम सबको एक अनुभव हम सभी को लगातार प्राप्त हो रहा है, इस जूम मीटिंग की ही देन है। आज जो लोग लगातार फील्ड में हैं हम सभी को उनका अनुभव घर बैठे मिल रहा है मित्रों, क्योंकि जूम मीटिंग में जो भी व्यक्ति बोलता है तो मित्रों कोई बनी बनाई बातें नहीं बोलता है, वो उसका अनुभव बोलता है, फील्ड का अनुभव बोलता है, उसका काम बोलता है, जितना उतना उसने अपने आप को फील्ड में खपाया है, गलाया है, घिसाया है, झोंका है, रगड़ा है, जलाया है, तपाया है मित्रों, वही वो इस मीटिंग में जूम में बोलता है। मित्रों इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम सभी को लगातार सब सीखने को प्राप्त हो रहा है। और आज मैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जितने साथी इस जूम मीटिंग में लगातार हिस्सा बने हुए हैं, जूम मीटिंग का
और बढ़ चढ़ के लगातार जूम मीटिंग को प्रमोट भी कर रहे हैं और अपने बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी करके चले जा रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में जब से ये मीटिंग का माहौल बना है, जब से अभी लगातार हर जगह साप्ताहिक मीटिंगें, सेमिनार्स, वर्गीय मीटिंगें, को मीटिंगें जहां जहां शुरू हुई है मित्रों, मैं लगातार देख रहा हूँ इस समय पूरा माहौल बदल चुका है, पूरे भारत में बदल चुका है मित्रों। और यही चीज लगातार रमेश सर भी कह रहे थे, हम सबके भी दिमाग में बातें बार बार आ रही थी कि माहौल बनाने पे काम किया जाए, और मित्रों आज वो माहौल दिखना शुरू हो गया है, उस माहौल का असर भी दिखना शुरू हो गया है। जब से हम लोगों ने माहौल बनाना शुरू किया है, बिजनेस की दिशा और दशा मित्रों एकदम से बदलना शुरू हो गई है। जहां पे हम लोग 1,000 रुपए 2,000 के प्रोड देकर के हम लोग जानी की ज्वाइनिंगें होना शुरू हो गई हैं। आज पूरे भारत में देखिए वो माहौल आपको दिख रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, कि आज जहां पे 3,000-5,000 की ज्वाइनिंगें नहीं हो पा रही थी, आज 15,000-2,000 की ज्वाइनिंगें होती हैं। मित्रों ये सारा का सारा जो आज हम आप रिजल्ट देख रहे हैं, इस सारा का सारा श्रेय जाता है इस माहौल का, इस जूम मीटिंग का, और जो जगह जगह मीटिंग सेमिनार जो शुरू हुए हैं ये उसका असर है। गुड मीटिंग, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, महीने की मीटिंग, सेमिनार, अभी देखिए हाल ही में इटावा में मीटिंग हुई 11 तारीख को अमित जी के माध्यम से, अमित जी के सानिध्य में, यहाँ रमेश सर रहे, पंकज सर रहे, मीटिंग के बाद ट्रेनिंग, बहुत ही सफल मीटिंग रही। इसके बाद अभी प्रयागराज में जयराम सर, कृष्णा जी, स्नेहा जी और तमाम लीडरों के सानिध्य में इतनी सफल मीटिंग रही। इसके बाद अभी 11 तारीख को ही सीधी मध्य प्रदेश में मीटिंग हुई ओम सर के द्वारा, यहाँ जहां जहां मीटिंगें हुई, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे सीधी हो, चाहे इटावा हो, जहां जहां इसमें मीटिंगें हो चुकी हैं उन सब जगह मित्रों माहौल बदल चुका है, बिजनेस ने वो गति पकड़ ली है जो शायद हम लोग इसके पहले जिसकी हम लोग उम्मीद करते थे, हम लोग सोचते थे कि कभी बिजनेस ऐसे चलेगा, वो समय आएगा, कभी ना कभी तो समय आएगा मित्रों, आज वो समय आता हुआ दिख रहा है, हम सभी को वो समय दिखना शुरू हो गया है कि आने वाला 5 से 6 महीना इस बिजनेस को उस बुलंदियों पर लेके जाने का ये माहौल, यहाँ पे हम आप इस नेटवर्क का, जिसलिए लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं नेटवर्क करने के लिए, वो चीज यहाँ पर लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी, लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा मित्रों, वो समय आने वाला है मित्रों। तो ये जो मीटिंगें हुई है इसका अनुभव आज बहुत अच्छा रहा, और इस मीटिंग को लगातार अब पूरे भारत में, अभी देखिए 18 तारीख को बंगाल में होने जा रही ओम सर की मीटिंग, ऐसे हर जगह बंगाल में, गुजरात में, हर जगह दिल्ली में लगातार मीटिंगों का क्रम शुरू हो चुका है, चाहे मुकेश जी के माध्यम, मतलब जहां भी देखिए अलका जी के माध्यम से, अलका जी भी बहुत बढ़ चढ़ के मीटिंगों में देखिए, अलका जी ने ग्वालियर में मीटिंग कराई, स्टोर की ओपनिंग कराई अलका जी ने, बहुत बेहतरीन रहा, मतलब जहां जहां मीटिंगों की शुरुआत हो गई है आज बिजनेस का रूप रंग बिल्कुल बदल चुका है। इसीलिए मैं भी लगातार हर व्यक्ति से बोल रहा हूं, अपनी टीम में भी और पिछली जो मीटिंग में भी मैंने बात रखी थी कि हर लीडर अब मीटिंगों पर आ जाए, 1 by 1 तो करना ही करना है, लेकिन साप्ताहिक मीटिंग, होम मीटिंग और बड़ी बड़ी मीटिंगों पर भी अब हमको आना ही आना है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का, नेटवर्क के बिजनेस का अगर सही स्वाद चखना है तो मित्रों मीटिंगों पे, सेमिनार्स पे हमको आना पड़ेगा। तो इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा, और आज का जो टॉपिक है, आज की जो मीटिंग है, वो प्लान को लेकर के भी कुछ चाहिए चर्चाएं करनी है, लेकिन मित्रों उससे पहले बस मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि देखिए हम सबके अंदर
हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट होता है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां भी होती हैं। टैलेंट का तो प्रयोग सभी करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो कमियां होती हैं उन कमियों को लोग ज्यादा फोकस कर देते हैं और अपने टैलेंट को लोग छुपा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, लोग जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। तो मित्रों, अगर हमारे अंदर जो कमजोरी उसको भी हम ताकत बना सकते हैं। उसी पे अभी मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे अभी एक जगह पे गीता महोत्सव चल रहा था और वहां पर वो महोत्सव कई दिनों का चल रहा था, कई दिनों से वो कार्यक्रम चल रहा था। वहां पे बाहर सेल लगी हुई थी गीता की और बहुत सारे वहां पे स्टॉल लगे हुए थे, गीता बेचने वालों के कई स्टॉल लगे हुए थे और सब लोग अपना अपना प्रयास में लगे हुए थे गीता बेचने में। कई दिन वो कार्यक्रम चला महोत्सव, और चलने के बाद जब वो महोत्सव समाप्त हुआ तो उसका एक प्रावधान था कि महोत्सव समाप्त होने के बाद जितने भी वहां पे स्टॉल लगे हुए थे उनमें से जिस भी व्यक्ति के द्वारा सबसे अधिक गीता सेल की जाएगी, वहां पे चीज पहले से बताया गया था कि जिस भी व्यक्ति के द्वारा गीता की सेल सबसे अधिक होगी उस व्यक्ति को अलग से स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो महोत्सव के बाद लास्ट में वो समय भी आया, उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसने सबसे अधिक गीता बेची थी, वहां पर सम्मान के साथ उसको बुलाया गया, उसको पुरस्कृत किया गया, ट्रॉफी दी गई। फिर उसके बाद उसको बोला गया कि आप अपने शब्दों में अपनी बातों को रखें, अपना बताएं, अपने बारे में कुछ आप ऐसा बताएं कि आपने इन सभी से अधिक गीता कैसे बेची, जबकि आपके अंदर कुछ कमी भी है। मित्रों, वो व्यक्ति थोड़ा सा तोतला भी था, हकलाता था बोलने में। और मित्रों, हम आप सभी जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर तोतलेपन की अगर समस्या है, ऐसी कोई डिसीज है, को पता था कि जो व्यक्ति ठीक से बोल नहीं सकता वो सबसे अधिक गीता उसने बेचा कैसे। ये लोगों के लिए एक असंभव वाली बात थी, लोग सोच में थे, इसलिए उससे पूछा गया कि आप बताइए कि आपने कैसे सबसे अधिक गीता बेची। तो उसने हकलाते हुए, चूंकि हकलाता था, अपना परिचय देते हुए बोला कि मैं जब भी जाता था किसी के पास, चाहे वो काउंटर पर सेल करता था या लोगों के घर पर जाकर मैं सेल करता था, तो दरवाजे को नॉकिंग करता था, खटखटाता था, जो भी महिला या पुरुष वहां से निकलता था उस गेट से बाहर, उससे मैं एक ही बात बोलता था कि मैडम इस गीता को आप ले लीजिए, और अगर आप गीता नहीं ले सकती हैं, क्योंकि पहले तो बोलता था कि गीता को आप ले लीजिए, खरीद लीजिए मुझसे, और अगर आप नहीं खरीद सकती हैं तो मैं आपके लिए इस गीता को फ्री में पढ़ सकता हूं। अगर आप नहीं खरीद सकती हैं तो मैं इस गीता को आपके लिए फ्री में पढ़ने को तैयार हूं, मैं पढ़ सकता हूं। सकते हैं किसी हकलाने वाले व्यक्ति से, तोतले व्यक्ति से, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि गीता पढ़ के सुना दे तो सुनने वाले की क्या हालत होगी तोतले व्यक्ति से, आप समझ सकते हैं। किसी को आहत करने की बात नहीं है, किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, लेकिन यह सिर्फ समझाने का प्रयास है कि क्योंकि वो व्यक्ति को ठीक से बोल नहीं पा रहा तो पढ़ने में कितना टाइम लेगा, वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा सुनते सुनते। इससे अच्छा उसको यही लगता था कि पढ़ के गीता सुनने से अच्छा है गीता को हम खरीद लें। तो कहने का मतलब, कहानी का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी कमजोरी को ही ताकत बना दिया। उसके अंदर जो कमजोरी थी कि ठीक से बोल नहीं पाता था, उसने अपनी कमजोरी को ताकत बना दिया कि अगर मैं किसी से कहूंगा पढ़ने के लिए तो निश्चित है कि वो पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा, वो कहेगा इससे अच्छा मैं खरीद ही लूं। तो मित्रों, हम अपने अंदर जो भी कमजोरी उसको हम ताकत बना सकते हैं, और ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट भी दिया है, कमजोरी भी दी है। मित्रों, बाकी हम आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने में समस्याएं तो हर काम में आती हैं। तो समस्या को फोकस ना करें, समस्या को
जैसे कहते हैं कि समस्या तो दूध में पड़ी हुई मलाई के तरीके से होती है, उसको साइड में करिए और पी जाइए। क्योंकि मित्रों हम ये सब जानते हैं कि अगर हम ये सोच लें कि घर से निकलने से पहले सारी की सारी रेड लाइटें अगर ग्रीन हो जाएं तभी हम घर से निकलेंगे, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है दोस्तों, ये संभव ही नहीं है कि सारी रेड लाइट एक साथ ग्रीन हो जाए, और अगर एक साथ ग्रीन नहीं होगी तो आप कभी निकल नहीं सकते हैं। लेकिन हम निकलते हैं क्योंकि हमको पता है कि धीमे धीमे करके सारी ग्रीन होती चली जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से इस बिजनेस में भी होता है कि हम जब घर से निकलते हैं प्लान देने के लिए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो धीमे धीमे सारी समस्याएं, सारे लोग हमारे साथ ग्रीन होते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं। तो इस बिजनेस में हम आप सभी जानते हैं कि आज जिन्होंने भी कुछ बड़ा काम मुकाम हासिल किया, जिन्होंने इस दुनिया को बदला है, उस दुनिया को बदलने वाले लोगों के अंदर कोई विशेष टैलेंट नहीं था, बस उनके अंदर अपने काम के प्रति जुनूनियत थी, पागलपन था, जिद्दीपन था उनके अंदर। चाहे जो भी रहा हो, आप देख लीजिए बहुत से ऐसे उदाहरण इस दुनिया में जिन्होंने इतिहास बदला है, जिन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस ली है, उनके अंदर कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं था, बस एक टैलेंट था पागलपन और जिद अपने काम के प्रति। चाहे वो दशरथ मांझी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, या जो भी लोग हों, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, चाहे वो अरुणिमा सिन्हा हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस दुनिया में हैं, एलन मस्क हो, जिन्होंने 1,000 करोड़ की कंपनी अपनी बेच दी, 1,000 करोड़ की कंपनी अपनी बेच दी और किराए पे जाकर के रहने लगे, और सारा का सारा पैसा दूसरे व्यापार में लगा दिए, और आज उस व्यापार का रिजल्ट ये है कि आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो पागलपन ही था। दुनिया तो मित्रों पागलों ने ही बदली है। एडिसन को हम सभी जानते हैं कि 10,000 बार फेल होना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है साथियों। एक पागल ये कर सकता है जिसके अंदर पागलपन हो, 10,000 बार फेल होने के बाद भी अपने काम में लगा रहा और अंत में सफलता पाया। मित्रों ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस दुनिया में हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है अपने काम के प्रति जुनूनियत से, अपने पागलपन से। तो मित्रों आज की मीटिंग को चूंकि प्लान पर भी चर्चा करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम आप कभी कभी होता क्या कि हम आप अपना जो काम करना चाहते हैं, इच्छा तो मन में बहुत होती है, लेकिन हम लोगों की बातें सुनकर के रुक जाते हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, अंदर से मन में आवाज भी आती है, लेकिन हम दूसरों की बातें, दूसरों के बारे में सोचकर रुक जाते हैं। जो लोगों की बातों को सुनता है, ध्यान देता है, वो इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाता। इस पर भी मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है, इस कहानी के बाद मैं अपनी बातों को टॉपिक पे आ जाऊंगा। मित्रों एक बार की बात है, एक गांव था और उस गांव में 2 बच्चे रहते थे, हो सकता है कुछ लोगों ने कहानी सुनी भी हो, और वो दोनों बच्चे बहुत ही जिगरी दोस्त थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। एक बच्चा 10 साल का था और दूसरा 6 साल का था। दोनों एक साथ में बहुत गहरी दोस्ती थी, दोनों एक साथ खेलते कूदते घूमते टहलते सोते जागते नहाते, तो मतलब सारा चीजें बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वो हमेशा एक साथ रहते थे। एक दिन क्या हुआ, वो दोनों घूमते घूमते खेलते खेलते गांव के बाहर निकल गए, गांव से दूर चले गए, और थोड़ा सा एकांत था वहां पर, और खेलते खेलते उन दोनों में से एक बच्चा, एक कुआं था जो उन्होंने देखा नहीं, और उस कुएं में एक बच्चा जा गिरा खेलते खेलते, और साल का था वो बच्चा कुएं में गिर गया। अब जैसे वो कुएं में गिरा, क्योंकि उसको तैरना आता नहीं था, उसने चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। अब छोटा बच्चा जो 6 साल का था वो परेशान हो गया, उसने चारों तरफ देखा, बुलाया, आवाज भी दी, लेकिन कोई दिखा नहीं उसको। वो परेशान हो गया,
उसको कुछ नहीं समझ में आता वो क्या करे, एकाएक लेकिन एकदम से उसकी नजर पास में पड़ी हुई एक बाल्टी और रस्सी पर गई। वो रस्सी बाल्टी से बंधी हुई थी, उसने बिल्कुल देर ना करते हुए उस बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और बोला अपने दो मैं खींचता हूं। और दोस्तों उसने उस रस्सी को खींचना शुरू किया, खींचता गया जब तक कि उसने अपने दोस्त को बाहर नहीं निकाल लिया। और इतनी ताकत से उसने खींचा कि इस बड़े वाले बच्चे को उसने बाहर निकाल लिया। और जैसे ही वो बाहर आए दोनों आपस में रोते हुए रोने लगे और दोनों आपस में गले लग गए। और रोते रहते दोनों आपस में सोच रहे थे, एक दूसरे से बोल रहे थे, जब हम लोग गांव जाएंगे घर जाएंगे तो लोगों से बताएंगे तो हम लोगों को बहुत मार पड़ने वाली है। बहुत चिंतित थे दोनों, आपस में रो भी रहे थे डर भी रहे थे। तो दोनों डरते डरते गांव में पहुंचे। वहां पर लोगों से लोगों ने गांव वालों से बताया कि हम लोगों के साथ में ऐसा ऐसा हादसा हुआ। तो मजे की बात तो ये है कि जो लोग डर रहे थे कि हमको मार पड़ेगी, किसी ने उन पर विश्वास ही नहीं किया। मित्रों उनकी बातों पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बता रहे थे कि 10 साल का बच्चा कुएं में गिर गया और मैं 6 साल का होकर के मैंने उसको रस्सी से खींच के बाहर निकाल दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि छोटा सा बच्चा जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि एक बाल्टी भरी हुई पानी को साथ कुएं से खींच सकता, लेकिन उसने 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल दिया साथ में पानी अलग। कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब गांव वाले सोचते हुए परेशान थे, लेकिन उन्हीं गांव वालों के बीच में एक व्यक्ति थे जो बुजुर्ग थे और उन सब उनकी बातों पर हर गांव विश्वास भी करता था, भरोसा भी करता था, बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे। तो वो सब उनके पास गए, उन्होंने बोला कि देखिए चाचा जी, ये बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा बच्चे बता तो रहे हैं कि उन्होंने कैसे किया। वो बता तो रहा बच्चा कि वो कुएं में गिर गया और उसके बाद मैंने रस्सी डाली, बाल्टी डाली और उसको खींचते खींचते उसको बाहर निकाल लिया। सिंपल तो है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, उसने ऐसे किया। लेकिन मित्रों वहां पर समस्या ये नहीं थी कि उसने कैसे किया, बात वहां पर ये थी कि वो क्यों कर पाया। उन्होंने बताया कि वो क्यों कर पाया, क्योंकि वहां पर आस पास में उसके उस बच्चे को कोई ये समझाने वाला नहीं था, ये बताने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता है, तू इस काम को नहीं कर सकता, तू उस बच्चे को बाल्टी से डाल के कुएं से नहीं खींच सकता है क्योंकि तू बहुत छोटा है, तू नहीं कर पाएगा। उसके कानों में ऐसी आवाज कोई गई ही नहीं, कोई इसको ये बताने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता है। यहां तक कि वो स्वयं छोटा बच्चा भी, उसके पास इतना समय नहीं था सोचने का, नहीं कर सकता, इसलिए वो ये कर पाया। मित्रों यही चीज हम सबके साथ में होता है कि जब हमारे जब लोग बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, इसलिए हम आप नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे आपके अंदर वो एनर्जी है, वो क्षमता है, वो पावर है कि बहुत कुछ हम आप कर सकते हैं। तो मित्रों हम लोगों की बातें ना सुने, ईश्वर ने हमको वो ताकत दी है, हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम अपनी सुने, किसी और की नहीं। मित्रों तो आइए मैं टॉपिक पे चलता हूं। जैसा कि आज करनी थी मित्रों, इस बीच में लगातार जैसे कि हम सब देख रहे हैं इधर बीच हर जगह 15,000 की किट का जो माहौल बना हुआ है, और इधर बीच प्लान की बातें मन में आई कि आप सभी से प्लान पे भी कुछ बातें की जाए। मित्रों इधर बीच में देख रहा हूं 15,000 की किट का जो लाभ है, अपने यहां अगर सही तरीके से किसी व्यक्ति को अगर इसका लाभ सही तरीके से बता दिया जाए ना, तो मित्रों वो जुड़ जाए, ज्वाइनिंग कर ले। लेकिन होता क्या कि हम सही तरीके से लोगों को उसके लाभ ही नहीं बताते हैं। अपना जो 15,000 का प्लान है
आज अगर हम बात करें कि जब कोई व्यक्ति 15,000 देता है उसको मिलता क्या क्या है, हर व्यक्ति उसको सही तरीके से बता ही नहीं पाता है कि उसको 15,000 में क्या क्या लाभ होते हैं। इसीलिए उसको दिक्कत आती है 15,000 का प्लान देने में, 15,000 की किट से ज्वाइनिंग कराने में। लेकिन सही तरीके से अगर हम उसको लोगों तक बता दें कि इसके इतने लाभ हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग करने के ही इतने लाभ हैं, बिजनेस की बात तो अलग है मित्रों। जैसे अगर मैं पहली बात करूं, पहला लाभ की बात करूं, तो सबसे पहला जो लाभ होता है 15,000 की किट पर, सबसे पहले तो उसको 22,000 रुपए का 15,000 में प्रोडक्ट मिल जाता है। 15,000 में सबसे पहला जो लाभ होता है 22,000 रुपए का उसको प्रोडक्ट मिल जाता है। और दूसरा लाभ होता है, जो प्रोडक्ट इतने बेहतरीन होते हैं, जो उसके स्वास्थ्य के लिए इतने बेहतरीन हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारी है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। सबसे पहला लाभ तो यही हो जाता है। दूसरा, एक बेहतरीन बैग बैग की कीमत आती है, ये दूसरा लाभ होता है। तीसरा, कंपनी 250 रुपए के 60 कूपन, 250 रुपए के 60 कूपन देती है, डिस्काउंट कूपन। यानी कि अगर टोटल जोड़ा जाए तो 15,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन कंपनी तुरंत दे देती है, जो बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो 15,000 में 15,000 कंपनी ने तुरंत वापस कर दिया, 22,000 का सामान तो गिफ्ट फ्री हो गया, साथ में बैग भी मिल गया और 15,000 का कूपन भी कंपनी ने दे दिया। ये तीसरा लाभ होता है। और हम सबको पता है इस कूपन को कैश कराने के लिए हर 2,000 की खरीद पर एक कूपन माइनस हो जाता है। सोचने वाली बात है मित्रों कि हम बाजार से लगातार हम लोग कितनी बार 15,000 की खरीदारी किए होंगे, लेकिन कभी कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन जीवन में सिर्फ एक बार 15,000 की खरीद करते हैं और यहां से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। चौथा लाभ, तो उसी पर, इन तीनों चीज के अलावा हम सब, जो भी व्यक्ति 15,000 की किट से ज्वाइन करता है, उसके पास मौका होता है कि वो आगे चल करके 65 इंच की स्मार्ट टीवी भी पा सकता है, 65 इंच की स्मार्ट टीवी भी पा सकता है। ये चौथा लाभ है। पांचवा लाभ, उसके पास पांचवा जो लाभ मिलता है उसी 15,000 की खरीद पर, वो बाइक लाख रुपए की होती है, 1,00,000 रुपए की बाइक भी वो जिस पा सकता है उसी 15,000 की खरीद पर, जो आज तक बाजार से जीवन भर करता आया है, कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे 65 इंच की स्मार्ट टीवी भी पाने का अवसर है, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए की होती है। इसके बाद 1,00,000 रुपए तक की बाइक भी पा सकता है। और इसके बाद है अगला बेनिफिट, छठवां, एक चमचमाती हुई कार भी वो पा सकता है, एक चमचमाती हुई कार भी पा सकता है, जिसकी कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए के आसपास की कीमत होती है उस कार की, कार भी पाने का अवसर है मित्रों। सोच के देखिए, हम जीवन भर खरीदारी करते आए हैं बाजार से, लेकिन क्या कभी किसी दुकानदार ने, किसी कंपनी ने आपसे बोला भैया आप यहाँ से लगातार सामान खरीदते हो, मैं आपको कार भी दूंगा आगे चल करके, बाइक भी दूंगा, टीवी भी दूंगा, किसी ने नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर जीवन में एक बार खरीदारी कर लेने मात्र से ये सारे लाभ आपको दिए जाए। अगला जो बेनिफिट होता है सातवां, 70,00,000 रुपए का फ्लैट। सोचिए मित्रों, अगर किसी को भी, जिस व्यक्ति का 70,00,000 रुपए का फ्लैट निकलेगा, उसका क्या आलम होगा। वो भी उसके लिए उसको कोई अलग काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीवन में एक बार उसने
15,000 की खरीद कर लिया है, वो भी अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, स्वयं के लिए, और उसी के एवज में उसको 70 लाख रुपए का मकान भी मिल सकता है। अगर सोचा जाए, देखा जाए, टोटल किया जाए, कितनी सारी चीजें, लगभग करोड़ों रुपए का तो रिवार्ड पाने का अवसर उसके पास है, करोड़ों रुपए का पुरस्कार आने का अवसर मिल जाता है उसको मात्र जीवन में एक बार 15,000 की खरीद करने पर। ये सातवां लाभ है मित्रों। इसके बाद आठवां लाभ आता है, जीवन भर उसको रिटर्न प्रॉफिट पाता है, वो 10% से लेकर के 60%, 10% से लेकर के 60% रिटेल प्रॉफिट होता है जीवन भर। बाजार से आज तक कभी कोई छूट नहीं मिला, कोई प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन यहाँ से जीवन भर वो कुछ भी खरीदेगा, एक साबुन भी खरीदेगा, एक मंजन भी खरीदेगा, चापत्ती भी खरीदेगा, या जो भी खरीदेगा, 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर भी खरीदेगा, उस पर भी उसको डिस्काउंट का लाभ मिलेगा जीवन भर, बाजार से कभी नहीं। ये है आठवां फायदा। और नौवां, इस 15,000 की खरीद पर नौवां जो फायदा होता है वो मिलता है कैश बैक। पूरा जितना भी हम सामान खरीदते हैं, उन्हें पूरा महीने जितनी भी खरीदारी हम करते हैं, चाहे अपने लिए चाहे अपनों के लिए, हम जो भी सामान खरीदते हैं उस खरीद पर बाजार से कभी कुछ भी वापस नहीं आया, कुछ भी रिटर्न नहीं आया, लेकिन और ये है आपका नौवां प्रॉफिट जो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की खरीद पर आता है, और इसके लिए अभी आपने कोई काम अतिरिक्त नहीं किया है। दसवां जो प्रॉफिट आता है वो है आपका फ्री प्रोडक्ट बोनस, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री प्रोडक्ट। तो सोच के जीवन भर कितने सालों साल बीत गए हम लोग बाजार से खरीदारी करते हुए करते करते, लेकिन कभी भी किसी ने हमको कोई उपहार, कोई गिफ्ट, कोई चीज फ्री हमको नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जीवन में सिर्फ एक बार हम खरीदारी कर लेते हैं 15,000 की, इतने सारे लाभ, और हर 6 महीने पर आपको फ्री प्रोडक्ट भी दिया जाता है। जैसी आपकी खरीद होगी वैसा आपका फ्री उत्पाद मिलेगा। अगर आप 1,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी करते हैं तो 1,000 सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 2,000 की करते हैं तो 2,000 का मिलेगा, 5,000 करते हैं तो 5,000 का, अगर आप 1,00,000 का करते हैं तो 1,00,000 रुपए का भी फ्री मिलेगा। अगर आपकी क्षमता 10,00,000 करने की है मित्रों तो 10,00,000 का भी प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। सोच के देखिए मित्रों कितना बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है जीवन में सिर्फ एक बार मात्र 15,000 की खरीद करने पर। 10वां फायदा है। और 11वें फायदे की अगर मैं बात करूं मित्रों, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है के सेवन करने से हमारे शरीर की जो भी क्रिटिकल बीमारियां हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मित्रों हमारा आपका स्वास्थ्य ही है। इन प्रोडक्टों को सेवन करने से हमारा आपका स्वास्थ्य ही बेहतर होता है। तो मित्रों 11 प्रकार के फायदे, ये 11 प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ जीवन एक बार सिर्फ 15,000 की किट लेने के फायदे हैं। और अभी तो बिजनेस की कोई बात ही नहीं है। अगर सही तरीके से किसी व्यक्ति के सामने सिर्फ इसके फायदे गिना दिए जाए तो बिजनेस तो बाद में करेगा, सिर्फ फायदे ही सुन करके वो ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन फर्क ये है कि हम लोग सही तरीके से लोगों को इसके फायदे गिनाते ही नहीं है। और इसी के साथ में ये तो हो गए उस व्यक्ति के लिए जो काम नहीं करना चाहता, जो कहता मैं सिर्फ जुड़ सकता हूँ, काम नहीं कर सकता, अपने लिए खरीदारी कर सकता हूँ, अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकता हूँ, फिर भी उसको ये 11 प्रकार के फायदे उसको मिलना ही तय है। सोच के देखिए मित्रों इतना बड़ा प्रॉफिट जो सिर्फ एक बार खरीदारी करने पर मिलता है। अब इसके बाद आता है
अगर कोई व्यक्ति काम करने की सोचता है, काम करने की प्लानिंग करता है, अगर यही लाभ अपने कुछ साथियों को दिलाने के लिए प्रयास करता है, यहीं से उसकी इनकम की शुरुआत हो जाती है, बहुत बड़े बिजनेस, बहुत बड़े व्यापार की शुरुआत हो जाती है। जिसमें जैसे ही किसी व्यक्ति को वो रिकमेंड करता है, किसी व्यक्ति को बिजनेस में शामिल करता है, तो सबसे जो पहली इनकम उसमें आती है उसको, या यूं कह सकते हैं 12वां प्रॉफिट, डायरेक्ट इनकम। जैसे किसी व्यक्ति को 15,000 से हम किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, ये सारे लाभ उसको दिलाते हैं 11 लाभ, तो आपका जो लाभ होता है, इनकम शुरू होती है, आपको 3,000 रुपए की डायरेक्ट इनकम आ जाती है। एक ही व्यक्ति पे डायरेक्ट इनकम आती है। जबकि मित्रों आज की डेट में बात पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, लगभग लगभग सारी कंपनियों में ऐसा प्लान शायद ही किसी के पास हो कि सिंगल व्यक्ति की ज्वाइनिंग पर भी आपको इनकम आए, वो भी इतनी बड़ी इनकम, एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग पर 3,000 रुपए की इनकम शायद ही कहीं पे हो। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग पर भी 3,000 की इनकम आ जाती हो, सिंगल लेग पे ये इनकम आती है। इसके बाद अगली इनकम जो आती है वो भी मित्रों बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल इनकम है, अवेयरनेस इनकम। आज हम सब लोगों को, जिसको भी बिजनेस में लाते हैं, जिस व्यक्ति को भी बिजनेस में लाएंगे, उस व्यक्ति की जो भी इनकम होगी उसकी इनकम का 50%, मित्रों सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है, उसकी इनकम का 50% जीवन भर आपको आता रहेगा। मित्रों ऐसा कहीं पे नहीं है। आज हम लोग अगर बात करें, जो आजकल की जो पीढ़ी, आजकल के जो बच्चे हैं, जिनको माता पिता पढ़ा लिखा के बचपन से पालते पोसते बड़ा करते हैं और उनकी नौकरी लग जाती है, वो पैसा कमाने लगते हैं, उसके बावजूद भी अपने माता पिता को अपनी इनकम में आधा हिस्सा नहीं देते हैं। लेकिन JMVD अपने उन बच्चों को, यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को यहाँ पर बिजनेस में लेके आता है, इस तरीके से वो भी उसके लिए बच्चा ही होता है। हम जिस बच्चे को यहाँ पर सिस्टम में ला देंगे मित्रों, जीवन भर 50% आपको देता ही रहेगा। सोच रहे, जिसके लिए हम इतना कष्ट करते, इतना समस्याएं लेते हैं, वो 50% तो छोड़िए 5% भी नहीं देता है माँ बाप को, लेकिन यहाँ पर 50% की हिस्सेदारी जीवन भर आपको मिलती है। और जीवन भर ही नहीं मित्रों, ये ताकत है मित्रों इस JMVD प्लान में, यही अब आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, कितने लोग हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए और इस इनकम का लाभ ली। इस बिजनेस में मित्रों सिर्फ एक व्यक्ति अगर जुनूनियत के साथ खड़ा हो जाए ना, पागलों तरीके काम करना शुरू कर देना, एक ही व्यक्ति आपको करोड़पति बनाने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि कल वो जितना भी कमाएगा उसकी इनकम का 50% दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी मित्रों। ये है JMVD प्लान की ताकत। इसके बाद अगला बेनिफिट जो आता है, पॉइंट इनकम। पॉइंट इनकम जो हम सब जानते हैं कि सारे, जिसको मैचिंग इनकम, पॉइंट इनकम बोले, 200 रुपए की पॉइंट इनकम भी आती है। इस तरीके से बहुत सारी इनकम है मित्रों। साथ ही साथ इसके बाद जो अगली इनकम आती है, स्टोर अवेयरनेस इनकम है। जिस भी व्यक्ति का हम स्टोर खुलवा देते हैं, आप सोच के देखिए, हम आप बहुत सारी दुकानें मार्केट में खुलवाते हैं, अगर भी कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन अगर हम JMVD का स्टोर खुलवा दें, तो जितने भी स्टोर हमारे द्वारा खुलवाए जाएंगे, हर स्टोर के टर्नओवर का जीवन भर हमको 2% आता ही रहेगा। कितनी बड़ी बात है मित्रों, जिसमें हमने ना तो कोई पैसा लगाया, ना ही तो हमने वहां पर समय दिया, और ना ही हमने वहां पर कोई अपना श्रम दिया, मतलब कुछ भी हमने नहीं किया, कोई हमारा रिस्क भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस दुकान के, उस स्टोर के टर्नओवर में जीवन भर हमारी 2% की हिस्सेदारी बन जाती है। बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है मित्रों, बहुत ऐसा सिस्टम, ऐसा नायाब सिस्टम, इतना बेहतरीन सिस्टम आज की डेट में किसी के पास नहीं मित्रों। बस जरूरत है हमको दिल खोल करके काम करने की,
अपने आप का 100% देने की। बस होता क्या है कि हम लोग 100% अपना देते नहीं, हम लोग समस्याओं पर फोकस करते हैं, समाधान पर नहीं। अगर हम ठीक तरीके से फील्ड में कूद जाएं काम करने के लिए, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान करते चले जाएं, जो कहा जाता है औसत का नियम, मित्रों कभी फेल नहीं हो सकता है। औसत का नियम तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो मित्रों इस प्लान की ताकत को हम, बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं, क्योंकि प्लान अपना बहुत बड़ा है, अभी तो ये आधा प्लान है, लेकिन आगे फिर चर्चाएं होंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बस जरूरत है ईमानदारी से काम करने की, बहाने ना बनाएं, हम अपने आप को पूरी तरीके से फील्ड में लगाएं। अभी देखिए जो मीटिंग हुई सीधी में या जगह जहां भी, देखिए मीटिंग के बाद लगातार 5 ज्वाइनिंग है, 6 ज्वाइनिंग, 8 ज्वाइनिंग है, 15,000 कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया। बहुत ही अच्छा माहौल आज पूरे भारत में बन रहा है 15,000 की किट का। तो मित्रों अब बहुत बड़ी इनकम आने, और हम सबको पता है अगर कोई व्यक्ति 50 ज्वाइनिंग भी डायरेक्ट अगर करा दे, 50 ज्वाइनिंग भी डायरेक्ट करवा दे, तो 1,60,000 की तो पहले उसको इनकम चली जाएगी, साथ में 65 इंच की एक स्मार्ट टीवी उसको मिल जाएगी। 1,60,000 की इनकम, साथ में 65,000 की एक टीवी और एक ड्रा भी उसके ग्रुप में हो जाएगा। तो मित्रों बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी ताकत है इस बिजनेस में। तो अब इस प्लान को, इस सिस्टम को बस हमको लगातार लगातार डुप्लीकेशन करते चले जाना है। आने वाला समय बहुत ही सुनहरा आने वाला है, क्योंकि मित्रों समय बहुत हो चुका है, 9:50 हो गया है, और समय चूंकि ज्यादा हो गया, कुछ लोगों को मौका भी देने का मन था, लेकिन फिर भी एक दो लोगों को मौका मैं जरूर दूंगा। तो मैं सबसे पहले आज इस मीटिंग में मौका देना चाहूंगा एमपी से ही, जो अभी मीटिंग हुई सीधी में, क्योंकि इस समय मैं सीधी में ही हूँ, एमपी में हूँ, साथ हम यहाँ पे आए लगातार मीटिंग में रहे, और अभी कल ही ओम सर को हमने ड्रॉप किया दीमा से, दिल्ली के लिए सर गए और आज सर निकल चुके हैं गुजरात के लिए, लेकिन हम सर को ड्रॉप करके फिर से रीवा से सीधी लौट के आए, और अभी मैं अभी भी सीधी में ही हूँ, और मन है यहाँ पे काम को और बढ़ा करके ही जाने का। तो अभी मैं यहीं पे मौका देना चाहूंगा सीधी के ही कुछ जाबाज लीडरों को, इसमें सबसे पहले मैं मौका देना चाहूंगा राजकुमार मांझी जी को, आप सरकारी टीचर भी हैं, पति पत्नी आप दोनों सरकारी टीचर हैं, और आप दोनों लोगों को बहुत ही सहयोग सपोर्ट मिलता है, एक घर के तरीके परिवार के तरीके से आप लोगों का प्यार मिलता है, साथ मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि अब क्या बताएं। तो बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले मौका देना चाहूंगा जो आज इस सीधी में लीड कर रहे हैं, उस पूरी टीम का जिम्मेदारी आज उठा रहे हैं, पूरी टीम को एक साथ एक सूत्र में बांध के चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मौका दूंगा राजकुमार मांझी सर को, अगली आवाज आपके बीच में राजकुमार मांझी सर की। धन्यवाद सर, आवाज क्लियर है सर? जी जी बिल्कुल सर, बोलिए जी। आपने तो परिचय दिया ही सर, मैं भी थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा अपना। नाम मैं राजकुमार मांझी, चाक घाट रीवा जिले से हूँ, और मैं वर्तमान में सीधी में एक्सीलेंस स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मेरी मिसेज भी गवर्नमेंट टीचर हैं, और हम दोनों इस सिस्टम को लगभग 6 महीने से, सिस्टम के बारे में तो सीके सर ने हमको 4 साल पहले बताया था, पर सिस्टम को लेकर के अपनी अज्ञानता और अनभिज्ञता की वजह से मैं इस सिस्टम को इग्नोर करता रहा, पर इस सिस्टम को लगातार सीके सर के द्वारा फॉलो किया गया, जिसकी वजह से मैं इस सिस्टम में लौटा और मैं काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं सभी ग्रुप में, इस जूम में उपस्थित है हमारे सभी सम्मानित साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और सम्मानी दादा जी, पंकज सर, रमेश सर, सीके सर, ओम सर,
मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके मार्गदर्शन से मैं इस सिस्टम को लगातार सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं अभी जो मीटिंग हुई 11 तारीख की सीधी में ओम साहब के द्वारा, इस मीटिंग ने कहीं ना कहीं इस हमारे इस जेएमबीडी बिजनेस में सीधी में एक बहुत ही तेजी के साथ उछाल आया है। कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं थी, जो भी कुछ हमको डाउट था, सारी चीजें क्लियर हुई। और ओम सर का क्या कहना, ओम सर का मार्गदर्शन मिला, हम सब लोग बहुत गदगद हुए, बहुत खुश हुए और हमने उनसे पर्सनली सब लोग मिले, काफी अच्छा लगा। और उनके द्वारा दिया गया प्लान एक तरह से सबको समझ में आया, बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। मैं आगे भी चाहूंगा कि हमको ओम सर का, रमेश सर का, सीके सर का, हमको उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन हमको हमेशा सीधी के हम सभी लीडरों को मिलता रहे। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और यहाँ पर ओम सर के द्वारा जो दिया गया प्लान था, खासकर उन्होंने हमने इटावा वगैरह, इटावा में भी रमेश सर के द्वारा भी वहां पर दिया गया जो 15,000 का प्लान है, उसमें हमने देखा कि जहाँ कहीं भी जाते हैं, खासकर ओम सर जहाँ जाते हैं, तो वहां पर 15,000 की जो ज्वाइनिंग है, किट है, उसकी मतलब बौछार लग जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे सीधी जिले में भी कई 15,000 की किटों की ज्वाइनिंग हुई है और कहीं ना कहीं आगे भी इस प्रकार की ज्वाइनिंग होती रहेगी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार मीटिंग रही। और मैं चाहूंगा कि अभी आगे और भी बहुत कुछ काम करना है और सीके सर का और ओम सर का, रमेश सर का, इसी प्रकार हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहे, जिससे कि मैं इस पूरे जेएमबीडी सिस्टम बिजनेस को अपने सीधी के हर घर में, हर व्यक्ति के पास पहुंचा सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, धन्यवाद सर। जय जेएमबीडी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। आपने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को आपने रखा और बहुत ही अच्छे से हम लोगों का प्रयास ही निर्भर करेगा सीनियरों का समय लेने के लिए, क्योंकि हम आप जिस तरीके से प्रयास करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर लीडर का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सबका काम ऐसा होगा तो निश्चित रूप से रमेश सर का भी समय मिलेगा, ओम सर का भी समय मिलेगा। तो अगली मौका, अगला जो मौका मैं देना चाहूंगा हम सभी के बीच में, सीधी से ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी प्रजापति जी हैं जो अपनी बातों को रखेंगे और बहुत ही सीनियर साथी हैं जो हम लोगों के साथ में अभी शुरुआत उन्होंने किया है, और मैं अगला मौका उन्हीं को देना चाहूंगा, अपनी बातों को रखेंगे कम समय में, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 मिनट। प्रजापति जी, अगली आवाज अगसेन जी की। जय जय एमबीडी। अभी आपके मार्गदर्शन से अभी तो हमने जनवरी से ही 2022 से ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन इस सिस्टम को फॉलो अप कर रहे थे, प्रोजेक्ट का रिजल्ट देख रहे थे। प्रोजेक्ट के रिजल्ट के साथ साथ सर आज मैं इस प्लान के गहराइयों पे ध्यान दिया, इस प्लान में इतना जबरदस्त जोरदार इनकम लगी हुई है सर कि मेरा मन बिल्कुल बदल चुका है। कल से मैं फील्ड में उतर रहा हूँ जोरों के साथ, 50 ज्वाइनिंग के मतलब तो बहुत कम है, हो सकता है कि भगवान ने साथ दे देगा तो सब ज्वाइनिंग भी इस महीने में निकल जाएगी, 15,000 की किट के साथ साथ सर, और अच्छे इनकम के साथ साथ इसमें तरक्की किया जाएगा। और मैं, मेरा मन बिल्कुल आ चुका है कि इस जेएमबीडी के प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी नेटवर्क को, जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो अप करते हुए अच्छी इनकम प्राप्त करना है सर। तो सर सिस्टम मुझे आज की गहराइयों में, जेएमबीडी में कितनी गहराइयां छुपी हुई हैं उस पे मैं अभी आज मैं विशेष तौर पर ध्यान दिया हूँ,
हमारे पार्टनर साथी राजन सर भी आज ज्वाइनिंग हुए हैं, मीटिंग में आए हुए हैं। सर को मैं ये भी कहूंगा कि सर कल समय आप निकाल करके समय दीजिए, कल हम लोग आ रहे हैं उधर विजिट करते हैं। विजिट करने के साथ साथ सर इसमें इनकम को फायदा लिया जाए, प्रोजेक्ट तो है ही है, प्रोजेक्ट का तो लाजवाब रिजल्ट है ही है, लेकिन इस सिस्टम को फॉलो अप किया जाएगा तो सर और बहुत सारी गहराइयों का लाभ मिलेगा सर। तो विशेष तौर पर इससे लग करके काम किया जाएगा, कल हो सकेगा तो यहाँ से देवसर और करथुगा बरगमा तक भी जाने का प्रावधान होगा। चाहे मेरी चार ज्वाइनिंग तो बिल्कुल अभी घर पहुँचते पहुँचते मेरी फिट हो चुकी है। अरे वाह, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी सर उसको हम अचीव तो करेंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी, और निश्चित है कि आपने अगर मन बना लिया है कि मैं पता करना है तो मुझे पता है कि आप 50 ज्वाइनिंग कर ले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता, वो एनर्जी, वो अनुभव, वो टैलेंट है काम करने का कि आप 50 ज्वाइनिंग इस महीने कर सकते हैं। और अगले महीने हम लोग यहीं सीधी में अगले महीने जो मीटिंग करेंगे ओम सर के मार्गदर्शन में, वहां पर ये ड्रा जरूर किया जाएगा। उस मीटिंग में आपको 1.5 लाख 1,60,000 का चेक भी दिया जाएगा और 65 इंच की स्मार्ट टीवी भी सबके बीच में आपको सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी क्रम में अगला मौका मैं देना चाहूंगा सीधी से ही एक बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे व्यक्ति और पेशे से वो डॉक्टर भी हैं, मैं उनको मौका देना चाहूंगा। और बहुत अच्छे साथी अभी नए हैं हम लोगों के साथ में, उन्होंने शुरुआत किया है जेएमबीडी में और अच्छा सहयोग सपोर्ट भी उनका मिल रहा है। तो हम सबके बीच में डॉक्टर राम सेवक बंसल जी हैं, जिनको मैं अगला चाहूंगा बंसल जी को अगली आवाज, राम सेवक बंसल जी के, जो कम समय में अपनी बातों को रखेंगे। कैसा आपको लग रहा है मीटिंग का अनुभव, कैसा रहा और आगे की क्या प्लानिंग है, कम समय अपने शब्दों को रखेंगे क्योंकि 10 बज चुका है। अगली आवाज बंसल जी की, डॉक्टर राम सेवक बंसल जी की। हेलो जी, बोलिए डॉक्टर, आवाज आ रही है। सर जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। मैं डॉक्टर राम सेवक बंसल, जिला सीधी, मध्य प्रदेश से। मैं सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के तहत पदस्थ हूँ एवं साथ में SRL का लैब भी चलाता हूँ। ये सर मेरा परिचय है। परम आदरणीय दद्दा जी एवं परम आदरणीय रमेश सर जी, परम आदरणीय ओम सर जी एवं परम आदरणीय पंकज सर जी, आदरणीय श्री सी के कुशवाहा जी, आदरणीय श्री राजकुमार माझी जी एवं आदरणीय डॉक्टर जी एल पटेल जी एवं हमारे भाई रमेश बिन मुंशी जी, इन सभी लीडरों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सर ये व्यापार मुझे माझी जी के माध्यम से प्राप्त हुआ और ये जितने प्लान सर मुझे अभी दिखाए गए इनमें से सबसे बेहतर मुझे सर ये 15,000 की ज्वाइनिंग का लगा। और 15,000 की सर जो ज्वाइनिंग में बेनिफिट हमको दिखा तो मुझे लगा कि सबसे ज्यादा यही 15,000 की सर ज्वाइनिंग करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें सर 10-11 फायदे हैं। तो समय तो सर ज्यादा नहीं बचा हुआ है, बहुत कम है, इसलिए सर मैंने 2 किस्से तो ज्वाइन करवा दिया हूँ 15,000 की, और अभी अपनी 5-15,000 की ज्वाइनिंग अभी बाकी है जो 2-3 दिन में हो जाएगी। बहुत अच्छा सर, आगे के लिए सर समय तो है, बहुत कम है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने वाली को सर। जी सर,
सर और अपने वाली को से विराम देना चाहूंगा जी। बहुत सर बहुत सर चलिए जी जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, और इसी क्रम में अगला मौका मैं देना चाहूंगा, बस चूंकि समय बहुत कम है जी जी, और हम सबके जो डिपो ऑनर हैं डॉक्टर जी एल पटेल जी, चूंकि आज इनका थोड़ा सा स्वास्थ्य आज स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आज उनको नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसी क्रम में हमारे बीच में एक और बहुत ही जबरदस्त बहुत ही अनुभवशील लीडर है हम सबके, जिनका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है हम लोगों को, डॉक्टर रामलाल कुशवाहा जी सीधी से ही हैं, तो बस मैं लास्ट में उनको ही मौका देना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद समय बहुत हो रहा है, 10:04 हो गया है, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब बस 5 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे, अपना अनुभव मीटिंग का और आगे की क्या प्लानिंग है, कैसा लग रहा है, तो अगली आवाज हम सबके बीच में डॉक्टर रामलाल कुशवाहा जी की। सर जी जय जय एमबीडी। जय जय एमबीडी सभी को सर नमस्कार एवं परम आदरणीय कंपनी डायरेक्टर दद्दा साहब को कोट कोट सा धन्यवाद, मेरे सभी साथियों को कोट कोट सा धन्यवाद एवं बधाई अभिनंदन हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन। ये कंपनी सर मेरे जेएमबीडी कंपनी जो है इस देश में 5,000 कंपनियों में इसका नंबर 55 नंबर पर है, ऐसी एक ये कंपनी है जिन्होंने सिर्फ सिंगल लेग पर पैसा देती है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है भारत में कि जो सिंगल लेग में पैसा दे, कि आज जितने देश में बेरोजगारी फैली है उन बेरोजगारों के लिए रोजगार दे रही है कंपनी, पैसा दे रही है कंपनी, स्वास्थ्य दे रही है कंपनी, भारत को स्वस्थ एवं समृद्ध बना रही है कंपनी, हम लोगों को जीने और जिलाने के लिए डायरेक्ट जो है रास्ता दे रही है कंपनी, और पैसा कमाने के लिए रास्ता दे रही है, और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मेडिसिन दे रही है सर, इसलिए ऐसी भारत में कोई कंपनी नहीं है जो कि हम लोगों को सही मार्ग एवं दर्शन दे सके। जिस तरह अभी रविवार के दिन सीधी में सेमिनार हुआ है, इस सेमिनार में सीधी देशवासियों के लिए इतना हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है कि सीधी को हम इतना अग्रणी इस बिजनेस में अग्रणी करेंगे, जैसा आपने यूपी में अग्रणी किया है इसी तरह हम सीधी जिले एवं मध्य प्रदेश को इस बिजनेस में बहुत आगे तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, और कम से कम समय में इसको बहुत आगे तक अनलिमिटेड तक हम पहुंचाना है, चाहे जितनी मेहनत करना पड़े, जितना कार्य करना पड़े, जितना समय देना पड़े, मैं उस समय को इतना अमूल्य रखूंगा, देख करके इस कंपनी का बिजनेस इतना भयंकर आगे तक ले जाएंगे, इतना भयंकर अनलिमिटेड पैसा कमाएंगे, सभी साथियों के साथ हम सभी कोई मिल करके इस कंपनी को इतना आगे ले जाएंगे, इसको अनलिमिटेड तक ले जाएंगे सर, मेरा यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है कि हम इस कंपनी को इस बिजनेस को इतना जल्द से जल्द इतने ऊंचाई तक ले जाएंगे कि कम से कम भारत में कोई जाने की मध्य प्रदेश में सीधी जिला एक जीएमबीडी कंपनी को समृद्ध एवं स्वास्थ्य बना करके इतना आगे ले गए, इतने ऊंचाई तक पहुंचा दिए सीधी जिले वाले कि उसका नाम इतिहास में रचना चाहता हूं सर। जय हिंद जय जीएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत ही अच्छा आपने समय का ध्यान दिया, बहुत ही कम समय में आपने बातों को रखा, बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा आपने समय का ध्यान दिया, तो इसी के साथ में मित्रों आज की मीटिंग चुकी 10:08 हो चुका है, और समय चुकी लगभग 10 मिनट
सकते हैं। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ कि जितने भी लोगों ने आज बोला इस मीटिंग में, जिन्होंने जो भी टारगेट लिया, जो भी लक्ष्य लिया, वो सभी लोग अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। तो आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम बधाइयां उसके लिए, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। सभी गुरुजनों की शुभकामनाएं, उनका साथ, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ में है। इन्हीं सारी बातों के साथ में आज की मीटिंग अब समापन जो हम लोग चल रहे हैं, कल की मीटिंग फिर से अपने समय से होगी। सभी लोग बस यही कहना है कि लगातार जूम मीटिंग को हम सब प्रमोट करें, जहां भी जाएं, जिसके पास भी जाएं, जिसके पास प्लान करें, जूम मीटिंग की चर्चा जरूर करें और उसके फोन में जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर करवा दें, ताकि जूम मीटिंगों में संख्या हम लोग लगातार बढ़ाते जाए। क्योंकि का व्यापार लगातार उतनी तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तो मैं एक बार फिर से सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, आजाद सर को, स्नेहा जी को, मुकेश जी को, आनंद जी को और मनोज सर को, जितने भी आल लीडर्स हैं, बीएल पंडित जी और अभिजीत जी, रुद्र मिश्रा जी, सभी लीडर्स को, अलका जी, सारे लीडर्स, जितने भी लोग फील्ड में निकल के आज काम कर रहे हैं, जितने लोग जूम मीटिंग को, सबका अनुभव अपने आप में बहुत बड़ा है। जिसकी भी मीटिंगें लगातार हो रही, हम सब, चाहे रानी जी हों या जितनी भी, जिनका नाम मैं नहीं भी ले रहा हूँ, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि सबका नाम लेने पाना शायद संभव नहीं है। तो सभी लोगों का अनुभव बहुत बड़ा है, आप सभी जूम मीटिंग में लगातार अपने साथियों को शामिल कराएं और इन सबके अनुभव से हम लोग सीखें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हों। इन्हीं सारी बातों के साथ में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जय एमबीडी।